हमारे राम आ गए हैं। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। ये फैसला सरासर गलत है सर, ये जुल्म किया है मुसलमानों पे। क्या ये सही हुआ मस्जिद गिराकर मंदिर बनना? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। नहीं, नहीं बनना चाहिए था। हमारे पड़ोसियों को काफी ज्यादा बुरा लगा है मेरा भाई। इनके चेहरे पे एक चप्पल मारते हैं पाकिस्तानियों की, अपने औकात में आ जाएं। ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा, ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा, एक बार जय श्री राम बोल को देखो, अच्छा लगेगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। पूरा भारत में दिवाली से भी बड़ी त्यौहार मनाया जा रहा है। भारत तो क्या पूरा विश्व में रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा की त्यौहार मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं इस त्यौहार को धूमधाम से मना रहे हैं। हिंदुओं के साथ साथ कुछ मुस्लिम देश में भी रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा की त्यौहार मना रहे हैं। दोस्तों क्यों ना खुशियों का त्यौहार मनाएं, इसके लिए जो 500 साल इंतजार किया था हमने। त्रेता युग में तो राम जी 14 साल के लिए वनवास गए थे, लेकिन इस कलयुग में रामलला को 500 साल तक वनवास में रहना पड़ा। 500 साल के बाद जब राम जी अयोध्या में वापस लौटे हैं, त्योहार तो बनता है भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इतना बड़ा झटका पड़ोसी को कभी भी जिंदगी में नहीं लगा जितना बड़ा झटका जब श्री राम मंदिर को जब बुर्जुल खलीफा पर दिखाया गया तो पड़ोसी एक बोलते हैं ना कि शोक हो गए, शोक नहीं हो गए, बिल्कुल हैरान परेशान, और भाई सूझ गई उनकी। आप लोग शोक क्यों लग रहे हैं? जलवा है हमारा। ये फैसला सरासर गलत है सर। अच्छा। सही क्या सर? मस्जिद थी उधर, मस्जिद रहना, मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर कोई नहीं गुला सकता सर। ये जुल्म किया है मुसलमानों पे, हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। तुम नहीं मानते राम मंदिर को, वो हिंदुओं के लिए बेवकूफ है, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? जो लोग रो रहे हैं सोशल मीडिया में बेटा, रो रो के मौत आ जाए तुम्हें, इसका तुम कुछ नहीं कर सकते। गजब बेइज्जती है। हमारे लिए मस्जिद अल्लाह का घर है तो मंदिर भी हिंदुओं के लिए तो उसका भी अल्लाह का घर होगा ना। नहीं तो रिसर्च किसने किया? वहाँ पर बाहर से साइंसदान बुलवाए गए, जब रिसर्च की तो वहाँ से मंदिर मंदिर के निशानात मिले ना भाई। ये सारा झूठ है सर। अच्छा। रिसर्च कराने वाले भी हिंदू। अच्छा। करने वाले भी हिंदू। अच्छा। ये सब झूठ है। वो हमसे सबूत मांगेंगे, वो कहेंगे कि भाई पाकिस्तानियों के पास क्या सबूत है कि वहाँ पर तो पहले मंदिर था, तो आप हम सबूत क्या देंगे? उनके पास क्या सबूत? रुको जरा, सबर करो। इनको पहले थपड़ा देते हैं हम, ठीक है? इनके चेहरे पे एक चप्पल मारते हैं पाकिस्तानियों की, अपने औकात में आ जाएं। कंट्रोल। मैंने कभी मांगा मक्का के बारे में प्रूफ कि वहां पे क्या हुआ था? बताओ क्या प्रूफ है? है कोई? मुझे लाओ जरा सर्टिफिकेट, लाओ जरा म्यूनिसिपैलिटी का, मुझे वीडियो दिखाओ, मैं भी प्रूफ मांग। जब मैं प्रूफ मांगूंगा फिर तुम सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, यो बेबी सर, फिर तुम रैप म्यूजिक करना शुरू कर दोगे। उसका धंधा है भाई, ये उनका कारोबार है। क्या सबूत है कि उधर मंदिर था नीचे? अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे इस्लाम में आने से पहले, इस्लाम तो अभी 1000 साल हुए ना, ज्यादा से ज्यादा 1000 साल, 1400 साल हुए, 1400 साल हुए इस्लाम आए को। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बरे सगीर के अंदर तबलीग की तो हम सारे पहले, आपका नाम क्या पूरा? वकास अहमद। वकास अहमद, आपकी कास्ट क्या है? गुज्जर सिंह। गुज्जर सिंह, गुज्जर की आप हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे सारे आपको हिंदू मिलेंगे 1000 साल पहले। मानते कि नहीं मानते? मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये फंस गया। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान कुछ भी करे तुम्हारी सूझनी चाहिए हर हालत में, हमें तो आपके सूझन के मजे लेने भाई। तो मैं आज स्पेशली पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि गजवाए हिंद तो नहीं कर पाए, कश्मीर नहीं ले पाए, आज ये बताओ कि श्री राम मंदिर के बाद से कैसी सूझ रही है? मजा तो आ रहा होगा हल्का हल्का कुजा कुजा के। उधर मस्जिद थी अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद, अल्लाह पाक कोई ऐसा वक्त आएगा फिर मस्जिद ही बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा, हमको सिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं उसके नीचे जो प्रूफ भी सबूत भी मिले हैं, बाहर से साइंसदान मंगवाए गए कि वहां के मुसलमान भी रोला डालेंगे। आप उधर थे जब साइंसदान आए थे? सुन लो ना, एक मिनट सुन लो, साइंस के ऊपर आप जब बाबरी मस्जिद जब बन रही थी आप उधर थे? हिस्ट्री को मानते हो ना? मेरी बात सुने ना, तारीख को मानते हो यार? हिस्ट्री एक जगह, अच्छा बादशाही मस्जिद है, कल को आके साइंसदान बोल के नीचे मंदिर आप मान जाएंगे? हिस्ट्री को फिर मान रहे हैं? अगर उसके नीचे मंदिर हुआ तो जरूर मानेंगे, अगर उसके नीचे चर्च हुआ। कहां से आएगा यार पागल हो, हम मंदिर उन्होंने बोला आप मान गए, बड़ी बात है यार। अच्छा फॉर एग्जांपल, अच्छा अच्छा तुम नहीं मानते राम मंदिर को, वो हिंदुओं के लिए बेवकूफ है, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है?
ये लोग सिर्फ बोल सकते हैं, जो काम होना था वो काम हो चुका है, अब बोलते रहो बोलते रहो, किसी को दो टके का फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आपने कहा, थोड़ा पीछे आ जाएं, आपने कहा कि पहले से इस्लाम आने से पहले यहाँ पर मंदिर थे, तो बहुत अच्छा किया मुसलमानों ने गिराकर वहाँ पर मस्जिद बनाई, ये सही है? जी हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मंदिर जो था इस्लाम के नाम पे, तो पहले मंदिर को बिल्कुल सही किया उन्होंने, इस्लाम लाना था मुसलमानों को, तो बरसगीर में मुसलमान जो इस्लाम फैलाने जो कुरान थे उन्होंने फातह किया, जंग लड़के वो मस्जिद उन्होंने मंदिर वो किया है। अबे साले अब तुमसे हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा पाकिस्तानियों से? यार हम किसी के बारे में नहीं बोलते कि आप चाहते हैं कि यहाँ से 100 करोड़ हिंदू खड़ा हो जाए और डेली कुछ कुछ बोलता रहे सोशल मीडिया पे, इज दैट व्हाट यू वांट? क्यों छेड़ रहे हो किसी को यार, क्यों छेड़? हम सबकी इज्जत करते हैं, सबके सामने हाथ जोड़ते हैं यार, सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, सर झुका रहता है सबके सामने, विनम्रता से बात करते हैं, हजम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा हजम तो बता दो, फिर हम दूसरे काम करते हैं जिससे हजम हो जाए, क्योंकि हमें हजम करवाना भी आता है बाय द वे। मैं बता देता हूं आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। राम जी की यात्रा के लिए निकली हुई हूं और आप सोचो कि उस टाइम पे तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, राम जी इतने ठंड में, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में वो वनवास को काटते रहे, उनसे प्रेरणा मिली है, तो इसलिए 1400 किलोमीटर दूर में आई हूँ। ठंड का असर नहीं है, पैर में छाले पड़ गए, ठंड इतनी है, लेकिन ये जो झंडा दिख रहा है आपको राम जी का, दिख रहा है, ये हौसला बढ़ाता है मेरा, राम नाम करते हुए मैं निकलती हूँ। दोस्तों पूरी दुनिया में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा की त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, खास करके हमारे पड़ोसियों को। पड़ोसी देश पाकिस्तान इसको लेकर बहुत रोना धोना शुरू कर दिया। पड़ोसी कह रहे हैं कि ऐसे बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया है, पाकिस्तानी जाहिलो सबसे पहले वही राम मंदिर था, बाबर के शासनकाल में राम जी का मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया था, हिंदुओं ने तो फिर से उसी जगह पर बाबरी को तोड़ के दोबारा राम जी का मंदिर बनाया। भाई पाकिस्तानियों, राम जी का मंदिर तो भारत में बन रहा है, लेकिन तुम पाकिस्तानियों को इतनी सूजन क्यों हो रहा है, तुम्हारी इतनी जलन क्यों हो रही है? तुम पाकिस्तान के बारे में सोचो, भारत के बारे में सोचने के लिए भारतीय है ना।